इस वीडियो में Realme 11 Pro Plus के बारे में डिटेल से बात करने जा रहे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस मोबाइल में क्या क्या कमियां हैं। तो खास करके मैं कमी पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा यूट्यूबर, बहुत बड़ा बड़ा वेबसाइट इसका प्रमोशन कर चुका है और आपको अच्छाई ही बताया है, कमियाँ तो नहीं बताया। तो चलिए मैं कमियाँ की बात करता हूँ कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है खरीदने के बाद। सबसे पहले प्राइस की ही बात कर लेते हैं। तो बेसिक वेरियंट का प्राइस 27,999 रुपया पड़ेगा। 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। पिक्सल डेंसिटी 394 PPI दिया गया है। इसका भी अधिकतम बैटरी 950 निट्स ही दिया गया है। HDR 10 प्लस सपोर्टेड है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले है। डिस्प्ले के ऊपर फिंगरप्रिंट्स दिया गया है। प्रो प्लस के रियर में तीन कैमरा दिया गया है जिसमें मेन कैमरा 200 MP का दिया गया है, दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है, 2 MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है। OIS सपोर्ट दिया गया है सिर्फ मेन कैमरा में, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में नहीं मिलेगा। प्रो में जो वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन था वही प्रो प्लस में है, मतलब 4K वीडियो 30 FPS में ही रिकॉर्ड कर पाएंगे। फुल HD प्लस रेजुलेशन वाला वीडियो इसमें 60 FPS पे रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रंट कैमरा प्लस में 32 MP का दिया गया है और प्रो में 16 MP का दिया गया था। प्रो प्लस के फ्रंट कैमरा से भी 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, फुल HD प्लस रेजुलेशन वाला वीडियो 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। 5000 mAh की बैटरी दी गई है और 100 W का फास्ट चार्जर दिया गया है। ये 26 मिनट में 100% चार्ज कर देगा। 5G बैंड्स की बात करें तो इसमें भी 5G का 9 ही बैंड्स दिया गया है, ये बहुत ही डिस्पॉइंट करता है। FM रेडियो नहीं मिलता है, 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं दिया, माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन इसमें भी नहीं दिया गया। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो इसमें भी MediaTek Dimensity 1750 ही चिपसेट दिया गया है, जो RAMTAP LPDDR4X इसमें भी दिया गया। LPDDR5 दिया जा सकता था लेकिन नहीं दिया गया, इसमें भी कटौती कर ली गई है। स्टोरेज टाइप FS 3.1 दिया गया है। हर एक चीज में कटौती कर ली गई है और प्राइस बहुत ही ज्यादा रखा गया है इस मोबाइल का। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑडियो, थैंक यू वेरी मच।